सो गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू, पहले बोथ ऑफ यू लेडीज। अच्छा चलो ओके, थैंक गॉड किसी ने। सोलो ऑफ मी, क्योंकि मेन पर्सन जो आपको हम बोलने वाले थे आपसे काफी ढेर सारी बातें करनी है, क्योंकि अच्छा मनारा जी आपके साथ है और अब मैंने बातें करना बंद कर अरे दिया। आपके से आई और इनके सामने मैं बोल नहीं सकता हूँ। इतने एनर्जेटिक मनारा जी, फास्ट फास्ट सब बोलने वाली, धीरे धीरे गाना कैसे, उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक दैट इज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट कि जब आप बहुत फास्ट फास्ट बोलते हो तो आपको धीरे धीरे ही गाना मिलता है हर कुछ बैलेंस होना चाहिए जी, और धीरे धीरे अच्छे गाने करने चाहिए और अच्छे हाँ लोगों के साथ करना चाहिए। करें। तो अभी आई एम विद माई वाइब ऑफ पीपल। थैंक यू। कमेंट्स काफी ज्यादा अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और खासकर मनारा जी आपके लिए कि मनारा के लिए थैंक कौन आया यहाँ पर, किसने मनारा को देखने के लिए वीडियो देख रही है, तो उस तरह की जब रिस्पांस आने लगते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत ही अच्छा लगता है, और मनारा के तो क्रेजी फैंस हैं या और बहुत ही सच्चे दिल से प्यार करने वाले फैंस हैं, या मतलब जो जेन्युइन फैंस होते हैं। बहुत होते हैं फेक फैंस, बट मनारा के जहाँ तक हम लोगों ने भी देखा कमेंट्स और हर चीज़ों में, बहुत ही जेन्युइन फैंस हैं, बहुत दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि मनारा दिल से बहुत अच्छी है। मैं भी मनारा की फैन ही हूँ बोल सकते हो, क्योंकि मैं पानी पानी हो गई। हाउ शी इज ना लाइक आई लव हर अ लॉट, लाइक अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यही बात कर रही थी कि ये हर टाइम एक जैसी रहती है, एंड आई लव लाइक मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो हमेशा एक ही जैसे रहे। लाइक आई एम ऑल्सो लाइक दैट, आप मुझे कभी भी देखोगे ना मैं ऐसी ही मिलूंगी। मतलब आज इफ यू गो बैक टू लाइक 10 ईयर बैक ऑल्सो आप देखोगे, जब मैं जस्ट आई थी एंड सब करियर शुरू भी नहीं हुआ था, तब से अभी तक मैं सेम ही हूँ, तो मुझे भी लोग बोलते थे। एंड आफ्टर सो लॉन्ग आई मेट अ पर्सन लाइक माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ इन हर, सो या ऑफकोर्स आई लव हर अलॉट। मनारा के साथ इट वॉज रियली रियली फन, एंड गाने का नाम है धीरे धीरे, बट हमने काफी मजे किए हैं, धीरे धीरे ही मजे किए हैं, धीरे या एंड या वी हैड सो मच फन शूटिंग दिस। आप दोनों से जानना चाहूंगा कि आपकी जो म्यूजिक है, जिससे पहले के भी म्यूजिक लोग जो सुनते आ रहे हैं, काफी अलग तरह के म्यूजिक बना रहे हैं जो अभी चल रहे हैं, आप 90s के भी और जो इस मूवमेंट के भी म्यूजिक है सब मर्ज करके कुछ नया लाने की ट्राई करते हो, तो ये धीरे धीरे गाने का प्रोसेस धीरे धीरे आप समझा सकते हो? सबसे पहली बात पता आपको ये गाना अलग क्यों साउंड कर रहा, क्योंकि ये वाला ऑफ कोर्स मैं भी कंपोज करती हूँ, मेरे जितने गाने मैं ही करती हूँ, बट दिस वन इज स्पेशली कंपोज्ड बाय आदित्य, इसलिए ये थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, जिसमें मैं भी अलग साउंड कर रही हूँ। इफ यू फील लाइक आई एम ऑल्सो साउंडिंग डिफरेंट इन दिस सॉन्ग, सो आई टोल्ड हिम टू लाइक यार मेरे लिए कुछ गाना बना ना, तो मैं तो अपने लिए बनाती ही हूँ, बट आई रियली वॉन्ट टू साउंड डिफरेंट। तो इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं रिसेंटली भी, जिसमें मैं एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट साउंड करती हूँ, तो यू नो आई कैन एक्चुअली थैंक हिम फॉर दैट। नहीं, क्योंकि मुझे पायल का रेंज पता है, रेंज काफी अच्छा है, तो वो जिस रेंज में गाती है उस रेंज से काफी डिफरेंट रेंज में ये गाया है, और बहुत ही डिफरेंट टेक्सचर में गाया है, बिल्कुल हंस बच्चे जैसी आवाज में गाई है, तो इसलिए वो बहुत अलग साउंड कर रहा है। और काफी डिफरेंट डिफरेंट हमने गाने बनाए हैं, बट इसमें कुछ अलग ट्राई किया है, देखते हैं, अगर काफी पसंद तो आ रहा है, सबको बहुत पसंद बट आ रहा और है, पसंद आए you know? तो मतलब मैं तो शुरू से चाह रही थी कि मतलब मैं आदित्य को बोलती थी कि व्हेन यू विल कंपोज फॉर मी ना, तुम कुछ अलग करोगे, आई बिलीव यू। तो वैसे मतलब मैं अपने गाने बनाती हूँ, बट एक टाइम के बाद यू नो आई ऑल्सो गेट बोर्ड यार, कि यार कितना मैं बनाऊँ, मेरे लिए कोई और तो बनाए, तो एक्चुअली ही मेड दैट फॉर मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। ओके बिल्कुल बिल्कुल वैसी थी बिल्कुल, वो वैसी। एंड हमने इतना मजा किया, आप बताओ ना। सो सबसे पहले तो मैं आई वुड रियली लाइक टू थैंक आदित्य भाई एंड पायल जी, उन्होंने अभी इतनी तारीफ करी, एंड आल्सो बिकॉज दे हैव गिवन मी अ ब्यूटिफुल सॉन्ग व्हिच आई विल फॉर एवर चेरिश थ्रू आउट माई लाइफ। आई होप ये 500 नहीं बिलियंस में जाए, इतना हिट हो जाए। एंड केमिस्ट्री की बात करें विद पारस, आई मेट हिम देयर इन आर्मेनिया इटसेल्फ,
एंड इन फैक्ट मैं एक दिन पहले चली गई थी एंड कुछ ऐसा फ्लाइट का था एंड ही केम अ डे आफ्टर सो आई थिंक आई गॉट अ चांस टू बॉन्ड विद द एंटायर टीम सो अपार्ट फ्रॉम आदित्य भाई एंड पायल जी देयर वाज आल्सो आवर डायरेक्टर देयर वाज आल्सो आवर आनंद जी वाज देयर दिव्या वाज देयर पावन वाज देयर सो यू नो लाइक दे रियली मेड मी सी द स्ट्रीट्स ऑफ आर्मेनिया And we really decided ki next time when we all are coming, we should actually rent out a big bungalow kind of a thing and we all should stay together because that was a great idea actually wo hame pehle karna chahiye tha because we all connected so well aur main actually jab ja bhi rahi thi to sab bol rahe the aapko specially pal was like aapko na ek din aur rukna chahiye tha I told her ki ek din ruk ke to hum thoda party kar sakte the na ha but then I had work commitments Yes, and but shooting ke time bahut maza aaya they were very nice you know the whole cast and the crew they were very nice like you just have to say it and it's done and there was a point of time ki hum actually Payal aur main ek dusre ka makeup kar rahe the that was a horrible story I'm telling you that story she only can tell I can't tell no please tell him you know what was our experience kya hua ki wahan pe makeup artist aayi thi And the way she started, I was feeling like कि कुछ हो ही नहीं रहा मतलब एक start to end there is a process you know like concealer वो royal paint कर so रहे थे there was no concept of concealer nothing and थोड़े time के बाद ना मुझे लगा इतनी जल्दी makeup हो गया मैंने अपना face देखा तो I was looking she like a she तो didn't accept it only my face was complete white I was not able to see my even eyes properly I was like कि इनका इनका भी खराब था मेरा एंड आई वाज लाइक क्या करूं यार मतलब दिस इज तो आई एम लुकिंग सो हॉरिबल फिर नेक्स्ट डे आई थिंक मैंने बोला कि प्लीज डोंट डू एनीथिंग मैं खुद ही कर लूंगी मेकअप प्लीज डोंट डू सो लाइक या देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम सो विद मी इट्स लाइक व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल टर्म्स आई ट्राई टू एडजस्ट कि नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है सो व्हेन दे डिड समथिंग टू मी आई वाज लाइक चलो ठीक है अब कोई बात नहीं दिस इज व्हाट वी हैव एंड दिस इज व्हाट द बेस्ट वी हैव टू मेक आउट ऑफ द सिचुएशन एंड देन शी सेड समथिंग एंड नेक्स्ट डे आई वाज लाइक यार बहुत अपसेट हो रही है तो मैंने कहा मैं कर दूं एंड देन यू नो लाइक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड बॉन्डिंग मोर लाइक ऑन द गर्ली वाइब सो हां बट ओवरऑल तो बहुत मजा आया हमने बहुत अलग-अलग तरह के डांसर्स देखे व्हाइल वी वर यू नो हैविंग डिनर्स एट वेरियस जॉइंट्स देयर इन आर्मेनिया एंड एक नई डेस्टिनेशन देखी हम सब ने उसमें एक था ना वो पिकनिक वाइब जो था आई वाज लिटरली फीलिंग लाइक कि हम पिकनिक पे आए हुए सच में या सो उसमें अगर वो अंगूर और सेब असली होते तो और मजा नहीं सेब असली अच्छा असली था असली था सब असली था आप किधर देख रहे थे पहले आप ये बताओ अच्छा उसमें पता है रैप्स एंड वो भी आए थे तो वो हमने खा लिया था पहले आपके आने से पहले ठीक है कोई बात पिकनिक से पहले देखो ये लोग ऑलरेडी पिकनिक मना रहे थे तो है ये तो मनारा के साथ मनाना पीछे की स्टोरी पायल बताएंगे मनारा के लिए हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि इस गाने का जो वाइब है ना इट विल गो 100% विद मनारा ओनली जो उनकी बबलीनेस है जो चुलबुलापन है जो हमें चाहिए गाने के लिए जो दिखाना जो इनोसेंस दिखाना दैट शी कैन ओनली डू एंड पारस का हुआ आई थिंक हम लोग वी आर जस्ट रैंडम सोचिंग एंड सर्चिंग तो हमारे पास प्रोफाइल्स आए थे तो वी रियली लव्ड पारस एट वन द लाइक इन फर्स्ट साइट ओनली एंड वी सेड कि लाइक दे विल लुक परफेक्ट टुगेदर सो देयर वाज लाइक नो नॉट मोर कंफ्यूजन इन एनीथिंग तो वी वर लाइक वेरी क्लियर अबाउट द तो बेसिकली पायल ने बना दी जोड़ी या एंड इट वाज रियली फन यू नो जब आई स्टिल रिमेंबर जब पारस आया था एंड वी एक्चुअली केप्ट अ डिनर For, to know each other and आके पता चला पारस is vegetarian तो वो कुछ खा नहीं पाया था I guess तो dinner पे भी वो भूखा था बेचारा मनारा big boss कितना supportive हो जाता है आपके life में आगे के projects को पाने के I think Big Boss is a platform. You know, when initially I was going for Big Boss, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा hitch था that you know how I will be on the platform because 24 घंटे उधर रहना. But when I went there, I literally went with the flow. And मुझे तो वहाँ जा के समझ आया कि एक lifestyle show है. It is a personality based show. और मैं बहुत खुश हूँ कि
मैंने जब साउथ में फिल्में करी थी तो लोगों ने सिर्फ मेरे किरदारों को सराहा था, या यू नो जो लोग मुझे पर्सनली मिलते थे लाइक टेक्नीशियंस और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, वो मुझे वन ऑन वन जानते थे कि मैं कैसी हूँ. एंड यू नो व्हेन दे सी यू ऑन स्क्रीन दे थिंक यू एज अ डिफरेंट पर्सन, और वो आपका पर्सनैलिटी बन जाता है. एंड देन व्हेन यू नो यू आर वॉकिंग टू द नेक्स्ट ऑफिस दे अज्यूम यू टू बी लाइक दिस, एंड देन व्हेन it doesn't happen and you, it comes out to be a very different girl who is exactly like who I am right now, so it becomes a little ek barrier aa jata tha. So I think now after Big Boss, because people have really loved me, they have really appreciated my personality, so puri industry se hi nahi puri duniya se bhi itna pyar milta hai, and I think it's a very good platform. I think it's a platform which can actually make you in life, or it can literally break you in life. Yeah. Because it is all about your real self, and yeah, I would say I've groomed myself. मैंने अपने आप की बहुत ज़्यादा grooming करी है Big Boss में जाके. मुझे reality checks पता चले हैं कि life में क्या होता है, कैसे दुनिया चलती है. So all about that. जी. बिल्कुल. सो बेसिकली ऑनेस्टली आई थिंक बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद जो आपको सबसे पहले चीजें मिलती हैं वो है म्यूजिक एल्बम्स. राइट. सो बट आई वॉज वेरी सिलेक्टिव अबाउट किस तरह के प्रोजेक्ट्स मैं सिलेक्ट कर रही हूँ. लाइक जब आप मेरा पिछला गाना अभी देखें तो इट्स अ बिग हिट. नाउ दिस इज माय नेक्स्ट सॉन्ग व्हिच इज विद पायल आदित्य, इट्स विद सोनी, एंड यू नो सोनी कैरीज अ बिग लीनियज, एंड मेरा पहली फिल्म के गाने सोनी के साथ थे. सो यू नो दैट कनेक्शन इज देयर. या सो एंड दे वर संग बाय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट. एंड सो आई थिंक एक बहुत जरूरी है कि आप बहुत ठहराव से चले, बहुत स्टेडीली चले, एंड कोई रेस तो है नहीं, बिकॉज यू जस्ट हैव टू स्टे विद द सेम काइंड ऑफ पीपल एंड इन द सेम एनवायरमेंट. जब आपने डिसाइड ही कर लिया है कि आपका करियर किस में है, सो इसमें आई थिंक कोई रश की बात नहीं है. यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम. और जो भी मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ दे आर ऑल वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, एंड आई फील पीपल विल बी वेरी प्राउड अबाउट वॉट आई एम डूइंग. इट जस्ट दैट आई जस्ट डोंट टॉक मच अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक लोगों ने मुझे पहले मेरे लिए प्यार किया है, तो अब मैं बाहर आके बोल रही हूँ जो मैं तो ये जी, मैं तो वो जी. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई जस्ट अपेयर व्हेन इट इज नीडेड, अदरवाइज आई जस्ट बी विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. सेम आपने जो बोला सिलेक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप जब आपका नाम हो जाता है ना तब तो सिलेक्टेड चीजों पे ही हाथ रखना चाहिए. ऐसे बहुत बार ऐसे टाइम पे होता है बींग अ कंपोजर, कभी मैं हर दिन 5 गाने 6 गाने ऐसे बनते रहते, बट उसमें से कुछ ही है या कभी जो लगता है कि यार ये तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. और मेरे पास मतलब सिर्फ गाने के लिए भी इतने आते हैं सॉन्ग्स, इतने आते हैं, बट जब तक कुछ स्पार्क ना करे ना कि नहीं ये गाना अच्छा, मेलोडी अच्छी है, इसको गाती हूँ, तो मतलब तब तक फील ही नहीं आता. जब देखा मेलोडी अच्छी है तो लगता कि यार मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ. अदरवाइज गाने के लिए भी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो जो काम मतलब दिल से नहीं होता ना वो काम नहीं करना चाहिए. आई ऑलवेज फील कि लाइक जिस चीज को करके आप खुश हो रहे हो आपको वो काम करना चाहिए. एज आई सेड, देखिए अभी लास्ट एक साल से मैंने भी थोड़ा लिमिटेशंस रखे है काम में भी. मैं सिलेक्टेड काम करती हूँ जिस टाइम पे जो चलता. लाइक मेरे बनाए हुए भजन्स आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली ग्रेट. यू नो सब लोग वो भजन्स गाते हैं जबकि स्पिरिचुअल का टाइम ऑलमोस्ट मतलब जो पुराने भजन्स ही चलते थे. बट आफ्टर आई स्टार्ट मेकिंग लाइक मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे बाबा और मेरे घर राम आए हैं, राम आएंगे, एंड मैनी मोर, यू नो लोग भजन गाना शुरू किया यूथ ने बेसिकली. तो उस टाइम पे मुझे वो पसंद आ रहा था तो मैं कर रही थी. और थोड़ा आई फील थोड़ा म्यूजिक वाइज थोड़ा चेंज हुआ है इंडस्ट्री. yeah. हमारी इंडस्ट्री में थोड़े चेंजेस है. सो आई एम एंजॉइंग दिस मोमेंट एंड दिस सॉन्ग इज डिफरेंट, एंड आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स भी थोड़े डिफरेंट ही होंगे. लाइक 90s इज तो लाइक आई कैन क्रिएट एनी टाइम, दैट आई नो, बट आई लाइक दिस वाइब. जब धीरे धीरे का जो वाइब है आई रियली लाइक. या तो मनारा जी आपसे भी मेन आपसे भी जानना चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन से आपको कितना इफेक्ट पड़ा
मुझे अच्छे कमेंट्स से तो बहुत अच्छा डोपामिन मिलता है, और जब कुछ कमेंट्स कुछ वियर्ड से होते हैं, सो आई नो इट इफ इट्स कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल हु आर वेरी यू नो डिवोटीज टू देयर हूसोएवर देयर आइडल्स, देन आई नो आई लीव देम असाइड. अदरवाइज इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज फॉर माय सेल्फ इम्प्रूवमेंट, whether it's from friends or family or it's from social media, I always welcome it. But overall, जब मैं social media पे देखती हूँ और मैं जब लोगों को मिलती हूँ, चाहे मैं इंडिया में हूँ या मैं इंडिया के बाहर हूँ, और लोग जब इतना प्यार देते हैं और कहते हैं कि यू नो हमने तो एक पर्टिकुलर शो जो है आपकी वजह से देखा और आप हमारी फेवरेट हो और ये हो वो, तो उस चीज़ को देख के थोड़ा सा ओवरवेल्म फील करती हूँ, बट फिर नॉर्मल हो जाती हूँ एंड जस्ट गो लाइक गो बैक होम और फिर अपने नॉर्मल रूटीन में रहती हूँ. बट प्यार बहुत है और कमेंट्स को कभी सर पे नहीं चढ़ने देती और ओवर रिएक्ट नहीं करती. कमेंट्स एक्चुअली मैं देखती नहीं हूँ जेन्युइनली स्पीकिंग. मुझे कभी कभार आते हैं कुछ, अगर कुछ कभी ये होता है, मैं कैप्शन कभी जल्दी जल्दी में कुछ गलत कभी टाइप हो जाए या कुछ, तो बोलते कि तुमने देखा क्या, तुमने देखा कमेंट्स में. मैंने कहा मैं कमेंट्स चेक ही नहीं करती. मैं इधर आई चेक कमेंट्स एक्चुअली व्हेन समथिंग इज रियली फनी एंड आई वांट टू नो कि लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में. लाइक कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आर्टिस्ट ना होते हुए भी ओवर हाइप्ड है, मैं नाम नहीं लेना चाहती. एंड उसमें से लिटरली आई सॉ सम कमेंट्स कि एक मर्डर माफ हो सकता है क्या, एंड लाइक ऐसे कितने यू नो लाइक कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि ऐसे ऐसे अजीब अजीब कमेंट्स. मुझे वो वाले फनी सेक्शन सुनने में मजा आता, बिकॉज आई वांट टू नो लिटरली कि लोग इस चीज को मतलब बढ़ावा दे रहे या कमेंट लिख रहे, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, दैट आई वांट टू नो. कि मतलब अच्छे कंटेंट, ऑफ कोर्स वी मेक गुड कंटेंट्स, तो कभी कभार ये होता कि बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स आ जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स आता है. पर ना जो ओवर हाइप्ड हो जाते हैं एक टाइम पे, जो नॉन सिंगर्स, बिल्कुल मैं सच बोलती हूँ, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर मुझे देख के इतनी हंसी आती कि लोगों को क्या एंटरटेनमेंट मिलता है यार ये देख के. बट यार सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कमेंट्स की बात करूँ, मेरे को जो भी कमेंट्स आते हैं मैं नहीं जा पाती हूँ इतना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन किस सिचुएशन पे किस मूड में है एंड किस वक्त वो कमेंट को लिख रहा है, दैट रियली डिपेंड्स. कि हो सकता है मूड ऑफ हो तो यार कहीं तो निकालनी है यार, फ्रस्ट्रेशन डाल दे इधर कमेंट, ये भी हो सकता है. तो हो सकता बाद में मूड चेंज होता होगा तो फिर वाइब भी उनकी चेंज हो जाती होगी. बट या कह नहीं सकते कि कब कौन से मैटर नहीं करता बेसिकली, या कौन कौन से माइंड में कब कोई खुश है या कोई दुखी है, पता नहीं. नहीं कर रही हूँ यार मैं सोशल मीडिया पे, थोड़े क्लिप्स दिखे हैं मुझे बट आई एम नॉट लाइकिंग इट. मतलब जिस टाइप की चीजें चल रही है, इस बार तो सलमान भाई भी नहीं है, पहले तो सलमान भाई होते थे तो बहुत मजा आता था देखने में, यू नो. एंड अभी तो सलमान भाई नहीं है तो इतना बहुत मजा नहीं आ रहा है. पायल को जाना है बिग बॉस में? नहीं नहीं जाने देंगे मुझे सलमान भाई, डोंट ट्रस्ट मी. उनको लगता है मैं बहुत नाजुक, मैं बहुत रोने वाली हूँ, मैं बहुत, वो मुझ पे भरोसा नहीं करते. ही एक्चुअली जब भी मैं मिलती हूँ ही एक्चुअली मिमिक यू नो मेरी आवाज को, हाय भाई. अब ही सलमान खान यार, मतलब वो हमारे इंस्पिरेशन है. उनके सामने आई कैन नॉट से भाई हाउ आर यू, मैं नहीं कर सकती. आई एम लाइक दिस ओनली, सो या मैं नहीं जाऊंगी. बट आई थिंक सलमान सर रियली अप्रिशिएट्स द ट्रू पर्सनालिटी. जैसे वो बता रही है ना कि वो मिमिक करते हैं, वो तो मेरे साथ भी करते हैं कभी जब पर्सनली मिलते हैं, तो मैं भी थोड़ा ऐसे हो जाती हूँ, आई एम लाइक फ्रोजन. बट आई थिंक सर रियली अप्रिशिएट्स द ट्रू पर्सनालिटी एंड सर रियली अप्रिशिएट्स द पीपल हु वर्क हार्ड एंड दे आर जेन्युइन. ये बात पे तो आप भी कहोगे. सो ऑफकोर्स मैं तो मतलब आई थिंक मैंने तो नॉट इमेजिन बिग बॉस विदाउट सलमान खान. और मैंने तो ऑनेस्टली बिग बॉस ही शायद सलमान सर के लिए किया था,
but I would not take away from the fact when Anil sir came for Big Boss, they made me sing, you know, his one of his songs, and he really supported me. You know, कोई वहाँ पे लोग मुझे कुछ बोलते थे तो सर ने भी एकदम सपोर्ट किया था. So I have all the due respect for Anil sir, and I think he's doing a jhakas work there. Yeah. But आपने जैसे contestants की बात करी, yeah. मैंने अपने एक interview में बोला था कि I hope यार इस बार couples ना आए, क्योंकि couples आते हैं तो individuals को बहुत problem आ जाती है, पर यहाँ पे तो इस बार कुछ वो मैरिड कपल है जो मतलब पॉलीगैमी हो रहा है. वाइफ्स विद आई रियली डिडंट लाइक एक्चुअली, ये हमें अपनी जनरेशन को ये सारी चीजें नहीं दिखाना चाहिए. या आई एग्री, ये चीज मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा. मुझे भी या इतने खुलेआम तो नहीं दिखाना चाहिए, एक पर्दा होना चाहिए. अच्छा, वो उतना मैंने देखा ही नहीं, मुझे बस पता है दैट देयर इज अ पर्सन विद टू वाइव्स. काफी कुछ है, बहुत ही गर्म मसाले आने वाले हैं. यू नो जब हम लोग शूट कर रहे थे तो कुछ गाने वहाँ पे ही बने थे, एंड उसमें से एक दो बहुत ही कूल सॉन्ग था, कूल डांस वाइब था. ये थोड़ा अलग है, वो वाला डिफरेंट होगा जो हम लोग प्लान करने वाले हैं विद मनारा एंड पारस अगेन. सो इट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी. So the vibe is all there. People just go shower all your blessings, yeah. and all your loves. धीरे धीरे सॉन्ग का नेम है, पर गाने पे मत जाना. आप नेम पे ज्यादा ज्यादा प्यार देना, मतलब फास्ट फास्ट प्यार देना, तेजी तेजी से प्यार दीजिए, एंड शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स. Yes, and all the Big Boss lovers and people who loved me from Big Boss. मुझे पता है इस बार का आप Big Boss देख रहे हो और आपको मनारा की कमी बहुत महसूस हो रही है, पर अगर आपको कमी कहीं भी महसूस हो रही है तो just go and watch. धीरे धीरे जल्दी जल्दी जाओ, धीरे धीरे देखो. Thank you so much. Thank you.